एंड वेलकम बैक टू माई फिजिक्स क्लास। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज हम जो चैप्टर 3 है 11th एनसीईआरटी फिजिक्स का, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पाथ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी एक आई बटन है, वहाँ पर भी आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो उसको पहले देखना, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखना। आज के लेक्चर में हम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटीज और जो काइनेमैटिक इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में बात करने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज का पहला टॉपिक जो रहेगा वो है एक्सेलरेशन। अब हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में तो पढ़ लिया था, आज के में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ें। सो जो वेलोसिटी है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जनरली जो वेलोसिटी है वो मोशन के कोर्स के टाइम पे चेंज होती रहती। तो इस चेंज को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें, इसको हम डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है उस तरीके से डिस्क्राइब करें या टाइम के साथ चेंज हो रही है उस तरीके से डिस्क्राइब करें, तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हम किस तरीके से इस चेंज को डिस्क्राइब कर सकें। नाउ इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो पहले ये सोचा गया कि इस चेंज को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि जो रेट है वेलोसिटी चेंज का उसको हम डिस्टेंस के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चेंज को। लेकिन जब गैलीलियो ने स्टडीज़ की फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की या ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन की जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे अपना मोशन दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है टाइम के साथ वो एक कॉन्स्टेंट है मोशन का सब ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कि फ्री फॉल में है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ये देखा कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो टाइम के साथ हो रहा है और वो एक कांस्टेंट है, एक मोशन का जो मोशन हो रहा है उसका एक कांस्टेंट है वो। दूसरी तरफ जो चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस था वो कांस्टेंट नहीं था। जो टाइम के साथ रेट चेंज हो रही थी वो एकदम कांस्टेंट थी, एक जैसी चल रही थी, लेकिन जो डिस्टेंस के साथ हमारा वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो अलग अलग था। जैसे कि अगर फॉल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई से उसको, जैसे आप 3 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हो और एक आप 0.5 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हो, तो अलग अलग जो है चेंज आ रहा था। अगर आप 3 मीटर की हाइट से फेंक रहे हो, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज होता जा रहा था। तो इसी की वजह से एक नया कंसेप्ट जो है वो हमारे सामने आया, जिसको हमने बोला एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या बोला गया, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, टाइम वाला, डिस्टेंस वाला कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए हमने एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को अपनाया जिसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम के साथ दिखाया। अब जो एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी कि ए डैश, मैंने बताया भी था कोई भी एवरेज हम क्वांटिटी अगर लेते हैं तो उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो हमने एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर हमें एक टाइम इंटरवल पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा ए डैश विल बी इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जैसा कि हमने जो एवरेज वेलोसिटी है वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी देखी थी, इसी तरीके से जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो गया, यानी कि इस टाइम इंटरवल में जो हमारा चेंज आया है वेलोसिटी में वो हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वी टू है और वी वन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, या सिंपली हम इनको वेलोसिटीज भी बोल सकते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और वी टू जो वेलोसिटी है वो टाइम टी टू पे है और वी वन वेलोसिटी जो है वो टाइम टी वन पे है। अब बात आती है एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट की। तो देखो वेलोसिटी बाय टाइम हो रहा है, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट जो है एक्सेलरेशन की वो रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सपोज करो हम एक वेलोसिटी बाय टाइम का ग्राफ लेते हैं, ये हमारा टी वन वैल्यू हो गई, ये हमारी टी टू वैल्यू हो गई, ये हमारा वी वन वैल्यू हो गई और ये हमारी वी टू हो गई। अब दो ऐसे पॉइंट्स आएंगे हमारे, यानी कि जो V2 और T2 को कनेक्ट करेंगे एक तरह से, और जो V1 और T1 को कनेक्ट करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स हो गए, इसको हमने P1 ले लिया, इसको हमने P2 ले लिया। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो इन दोनों पॉइंट्स को, जो हमारा स्ट्रेट लाइन या एक स्लोप जो कनेक्ट कर रहा होगा, वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन रहे। क्लियर हो गई ये चीज़?
समझ में आ गई बात किस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन देख सकते हो एक वेलोसिटी बाय टाइम के ग्राफ। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी। सो ए विल बी इक्वल्स टू वही लिमिट जो है वो उसमें डेल्टा टी जो है जीरो पे अप्रोच करेगा और ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, वही कैलकुलस से निकलेगा। क्लियर है, तो इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं। नाउ सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अ चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व ईदर और बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी थी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, इसीलिए जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी होगी उसमें या तो ये दोनों फैक्टर्स होंगे या इनमें से एक फैक्टर तो होगा ही। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किस वजह से आ सकता है, वो या तो हम अगर स्पीड में चेंज कर रहे हैं यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर चेंज कर रहे हैं हम तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है हमारा। इसके अलावा अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो भी हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट हो सकता है, या फिर अगर हम इन दोनों चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन जनरेट हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेट हो सकती है एक बॉडी, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेट हो सकती है बॉडी, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तब तो एक्सेलरेशन होगा। नाउ वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जैसा कि आपको इन ग्राफ्स में दिखाई दे रहा है। अभी समझाऊंगी इनको भी। सो पोजिशन टाइम ग्राफ जब हम बनाएंगे मोशन का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो फर्स्ट वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि ये जो आपका स्लोप है, जो कर्व है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में ये कर्व जो है वो पहले यहाँ से चालू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाता जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये बात ध्यान रखनी है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे सिंपल सिंपल केसेस के लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन किस तरीके से हो सकता है। तो जो पहला ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन थी हमारे, लेकिन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, इस वजह से यहाँ एक्सेलरेशन जीरो था, वेलोसिटी जीरो नहीं थी, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके स्लोप से हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। सो जो ये ग्राफ है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देन सेकंड जो हमारा ग्राफ है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता तो वो जीरो के इधर मूव करता, तो मूव तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन उसका नीचे जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया हमारा नेगेटिव। देन थर्ड ये वाला ग्राफ हो गया हमारा जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो नीचे जा रहा है। भाई अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है या इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है या इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है। देन नेक्स्ट जो आ गया हमारा, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है टाइम टी वन तक, और उसके बाद वो कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन में चला। क्लियर हो गई ये चीज़। नाउ एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो ये है कि जो कर्व के नीचे का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। क्लियर है। तो ये स्लोप जो है ये तो एक्सेलरेशन देता है, लेकिन ये जो एरिया है ये इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, यानी कि सपोज करो ये जीरो है और ये 10 सेकेंड्स है, तो जीरो से 10 सेकेंड्स तक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है वो हम इस एरिया से पता कर सकते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। नाउ अ जनरल प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ कैलकुलस। अभी जो स्टेटमेंट अभी अभी हमने दिया, इसके लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर हम फिजिकली देखें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है उनकी वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अब्रप्टली चेंज नहीं होती हैं, जो चेंज है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर।
अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशंस दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ऐसे मोशंस जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहे हैं, जिनमें एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, उनके लिए हम कुछ सिंपल इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी इनिशियल वाली और फाइनल वाली और एक्सेलरेशन, इन सबको एक साथ इक्वेट करें, जिससे हम आसानी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सो एक फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, वो किसके बीच में रिलेशन देती है? वी ओ, वी और ए के बीच। सो ये क्या हो जाएगी? जो फाइनल वेलोसिटी है, इट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, या फिर आप इसको v2 इज इक्वल्स टू वी वन प्लस ए टी भी लिख सकते हो, जैसा कि आपका मन। अब ये रिलेशन जो है, ये ग्राफिकली हमारे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है। जो इस कर्व के अंडर का एरिया है, यानी कि एरिया बिटवीन ओ एंड टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि या रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इसमें तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सो इस कर्व के अंडर का एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा v माइनस वी नॉट है, क्योंकि ये हमारा v नॉट था, ये v है, तो हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस, ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये v नॉट है हमारा साइड और ये t है, तो v नॉट इंटू टी। इस तरीके से हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब एरिया जो है वी टी कर्व के नीचे, हमने क्या पढ़ा था? वो डिस्प्लेसमेंट बताता। सो जो डिस्प्लेसमेंट x है हमारे ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू टी। अब हमें ये वाली इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको, v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू ए टी। तो ये जो v माइनस वी नॉट वाला हमारा यहाँ पे नोटेशन है, इसको हम ए टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू v नॉट टी, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा, प्लस हाफ ए टी इंटू टी, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? इसके अलावा जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय टू इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि v प्लस वी नॉट जो बाय टू जो है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाए। लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही काम आएगा, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर हो गया? तो एक बार वापस से समझा देती हूँ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस कर्व के अंदर अगर हम देखें, तो वो क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ वी माइनस वी नॉट इंटू टी, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? वी नॉट इंटू टी। अब हमें इस वाली इक्वेशन से पता है कि अगर हम वी नॉट को इधर ले जाएंगे तो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, तो यहाँ हम v माइनस वी नॉट की जगह ए टी लिख देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, वो होती है v प्लस वी नॉट बाय टू। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो, हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे वी नॉट टी को एक साथ लेके, तो ये v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी आ जाएगा, तो v प्लस वी नॉट बाई टू की जगह हम v डैश लिख देंगे, तो v डैश इंटू टी। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये एक अच्छी इक्वेशन आप लोगों के सामने निकल के आ गई। अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट t डिवाइडेड बाई टू, और ये जो हमारी v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट बाई टू वाली इक्वेशन है, ये क्या बता रही है हमें? कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, और एक एवरेज वेलोसिटी के साथ हुआ है, जो कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के अरिथमेटिक एवरेज के बराबर है। अब हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी। अगर इसके थ्रू हम t की वैल्यू निकालें, सिर्फ t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस वी नॉट तो एक जगह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a। अब इसको अगर हम हमारी इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, x इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, तो क्या आएगा वो देख। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी, यानी कि v डैश टी जो था, तो v डैश टी क्या था हमारा? v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2
इन टू वी माइनस वी नॉट ए, क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास वी माइनस वी नॉट बाई ए आ गई, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू ए इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स या टू ए एस, जैसा भी आप लेते हो डिस्टेंस को, आप जिस भी चीज़ से लिखते हो वो आ जाए। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गई, कौन कौन सी? पहली हो गई v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, दूसरी हो गई x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हो गई हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि हमारी सारी एंटाइटीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और ये जो है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। क्लियर है? अब एक चीज़ है, एक इसमें मॉडिफिकेशन है इन इक्वेशंस में। ये इक्वेशंस हमने कब ली हैं? हमने ऐसा माना है कि टाइम टी जीरो पे जो पोजीशन है यानी कि जो एक्स है वो भी ज़ीरो है, तब हमारी ये इक्वेशंस आई हैं। लेकिन सपोज करो अगर हम x को x माइनस एक्स जीरो से रिप्लेस करते हैं, जिसमें x जीरो हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और x हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, तो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं। दूसरा जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी x विल बी इक्वल्स टू x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ नहीं बस हम x नॉट ऐड कर देंगे इस सेकेंड इक्वेशन में। और थर्ड इक्वेशन में क्या होगा हमारा, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स जीरो, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दें। क्लियर है? तो अगर हमारे टाइम जीरो पे x जीरो है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आप सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर हमारा x कुछ भी है, x x1 है x2 है कुछ भी है, तो हम ये वाली इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगी, बस सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कुछ चेंजेस आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बात की। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पे जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सो आप लोगों ने सबने ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा, और जब भी आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने कई बार देखा होगा कि दूसरी ट्रेन जो है वो आपको ओवरटेक करती हुई जा रही है उसी डायरेक्शन में, अलग अलग में नहीं। जैसे आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो दूसरी पटरी पे दूसरी ट्रेन जो है आपको ओवरटेक कर रही है। अब वाइल दैट ट्रेन मस्ट बी ट्रैवलिंग फास्टर देन यू टू बी एबल टू पास यू, इट डज सीम स्लोअर टू यू देन इट वुड बी टू समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉचिंग बोथ द ट्रेन्स। अब ये है कि वो ट्रेन जो है आपसे तेजी से चल रही है, आप वाली ट्रेन से, जब भी तो आपको पास कर रही है वो, लेकिन आपको वो इतनी तेज नहीं लगेगी जितनी कि एक प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा है वो उन दोनों ट्रेन्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे उस सेकंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप उस एक पर्टिकुलर ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन को देख रहे हो तो आपको उस दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ नहीं लगेगी, आपको लगेगी कि ये भी धीरे ही चल रही है। और अगर उस दूसरी ट्रेन की स्पीड आपकी ट्रेन की स्पीड से सेम हुई तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन तो चल ही नहीं रही। सो इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को जन्म दिया। सो इसमें हम एग्जांपल्स लेके समझेंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे ए और बी जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटीज़ हैं वी ए और वी बी। अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, सपोज करो एक्स एक्सिस पे। अब जो एक्स ए है ज़ीरो और एक्स बी ज़ीरो यानी कि टाइम ज़ीरो पे, वो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट ए और बी की टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, और दूसरी जो पोजीशन है उनकी वो है एक्स ए टाइम टी पे और एक्स बी टाइम टी पे। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्स ए टाइम टी पे क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स ए टाइम ज़ीरो प्लस वी ए टी, और एक्स बी क्या हो जाएगा हमारा टाइम टी पे, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स बी एट टाइम जीरो प्लस वी बी इंटू टी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाय, अगर हम एक डिस्टेंस देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बी ए एट टाइम टी विल बी इक्वल्स टू
एक्स बी जो टाइम टी पे था माइनस एक्स ए जो टाइम टी पे था। अब एक्स बी और एक्स टी की ये वाली वैल्यूज हम अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स बी एट टाइम जीरो माइनस एक्स ए एट टाइम जीरो, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो हमारी ये लास्ट इक्वेशन निकल के आई है ये हमें क्या बता रही है कि एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडीली बाय द अमाउंट वी बी माइनस वी ए इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ए से देखें तो ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो होगी वी बी माइनस वी ए। क्यों? क्योंकि जो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्टेडिली चेंज हो रहा है और वो वी बी माइनस वी ए के हिसाब से ही चेंज हो रहा है। पर यूनिट टाइम में उसकी जो चेंज आ रहा है वो वी बी माइनस वी ए ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट बी की ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट ए के रिलेटिव वो हो जाएगी वी बी माइनस वी ए, यानी कि वी बी ए विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। इसी तरीके से अगर हम ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे बी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में तो वो हो जाएगी वी ए बी विल बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, वो आगे रहेगा और जिसके रिलेशन में निकाल रहे हैं वो हमारा माइनस के बाद आएगा। क्लियर है? अब हम कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करने वाले हैं जिससे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो पहला जो केस है हमारा वो है इफ़ वी बी इज इक्वल्स टू वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स बी एट टी टाइम माइनस एक्स ए एट टी टाइम विल बी इक्वल्स टू एक्स बी एट जीरो माइनस एक्स ए एट जीरो। तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर वी बी वी ए के बराबर है और वी बी माइनस वी ए जीरो है तो जो डिस्टेंस का डिफरेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है टाइम टी पे हो चाहे टाइम जीरो पे हो वो सेम होगा। देयरफोर द टू ऑब्जेक्ट्स स्टे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस दैट इज एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो अपार्ट एंड देयर पोजीशन टाइम ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रह रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारा वो एक्स बी माइनस एक्स ए रहेगा और इनका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस केस में वो जीरो रहेगी क्योंकि डिस्टेंस ही बराबर है तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी ही नहीं। क्लियर है? देन दूसरा केस जो है वो कहता है वी ए जो है वो वी बी से बड़ा है और वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है अगर वी ए बड़ा है और हम वी बी में से वी ए माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो इसमें क्या होगा, एक ग्राफ जो रहेगा हमारा वो थोड़ा स्टीपर रहेगा देन दी अदर एंड दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। तो एक ग्राफ हमारा ज़्यादा स्टीप है, ए वाला ग्राफ देखो हमारा ज़्यादा स्ट्रेट जा रहा है, ज़्यादा स्टीप जा रहा है। स्टीप चीज़ क्या होती है, एक होता है हमारा जेंटल स्लोप, यानी कि जैसे सपोज करो एक पहाड़ है वो इस तरीके से है तो धीरे धीरे स्लोप हो रहा है, एक हमारा पहाड़ जो है वो इस तरीके से है यानी कि एकदम से ढलान आ रही है, तो ये जो इस स्लोप को हम स्टीप स्लोप बोलते हैं। तो जो हमारा ए वाला पॉइंट है वो काफ़ी स्टीप है जबकि बी वाला पॉइंट हमारा इतना स्टीप नहीं है और ये एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेके समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ए इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड एक्स ए एट जीरो इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दूसरी तरफ आता है हमारा वी बी, इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड और जो हमारा एक्स बी है एट जीरो इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो जिस टाइम पे ये मिलेंगे वो हो जाएगा टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ठीक है, जब हम इसको ग्राफ में जोड़ेंगे तो। और जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस डिस्टेंस पे ये मिल रहे हैं वो हमारा 60 और 80 के बीच में आ रहा है, लगभग 70 मीटर। सो 70 मीटर्स पे ये मिलेंगे और टाइम 3 सेकेंड्स। तो इस इंस्टेंट पे दोनों का ही जो एक्स ए और एक्स बी होगा वो सेम हो जाएगा यानी कि 70 मीटर्स। क्लियर है? फिर जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी को इस टाइम पे ओवरटेक कर लेगा। तो इस केस में जो वी बी ए होगा वो हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 20 मीटर्स पर सेकेंड यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड यानी कि माइनस वी ए बी। तो वी बी ए जो है वो माइनस वी ए बी के बराबर रहेगा। क्लियर है? तो पहले ए जो है वो नीचे चलता जा रहा था फिर वो ऊपर चला गया,
क्रॉस कर गया, तो इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी अगर हम बी की देखेंगे तो। देन नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो कहता है कि वी ए और वी बी दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं। ये नहीं बता रखा कि वी ए प्लस है या वी बी माइनस है या वी बी प्लस है वी ए माइनस है, बस ऑपोजिट साइंस के। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ए था वो 20 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा था और उसका एक्स ए जो है वो 10 था, जबकि जो बी ऑब्जेक्ट है वो -10 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा था और एक्स बी जो है उसका 40 था। अब आप कहोगे कि इसमें हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें इसमें ऑपोजिट साइंस लेने, क्लियर है। तो ये वी ए हो गई हमारी और ये वी बी हो गई। तो अगर हम वी बी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 -20 दैट इज इक्वल्स टू -30 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू -VAB। तो इस केस में वी बी ए हो या वी ए बी हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, वो 30 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि वी ए और वी बी दोनों से ही बड़ा, क्योंकि वी ए 20 था और वी बी हमारा -10 था, तो इन दोनों से ही बड़ा आ रहा है, चाहे उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन दूसरी है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम वी ए को ट्रेन 1 मान ले और वी बी को ट्रेन 2 मान ले, तो अगर इस तरीके का केस होगा तो ट्रेन 1 में जो आदमी बैठा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बैठा, जो भी सब्जेक्ट बैठा होगा, उसे ट्रेन 2 जो है वो बहुत ही फास्ट जाती हुई महसूस होगी, और इसी तरीके से अगर वो ट्रेन 2 में बैठा हुआ होगा तो उसे ट्रेन 1 जो है वो बहुत फास्ट जाती हुई महसूस हो, क्लियर है। सो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने चैप्टर 3 जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उसे कंप्लीट कर लिया है। मैं होप करती हूँ कि आपको तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और जो भी हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस देखी। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मोशन इन अ प्लेन के साथ, उसको भी हम एक दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।